सो गाइस भाई साहब, जो आपका प्यार मिल रहा है भाई, इतना प्यार मिल रहा है मैं क्या बताऊं यार। थैंक यू यार गाइस, थैंक यू। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे पता है यार, आप अपने रिश्तेदारों में भी मेरा चैनल शेयर कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी मेरा चैनल शेयर कर रहे हैं। भाई साहब, कईयों का तो भाई मेल आया मुझे कि बहुत बढ़िया वीडियो बने हैं, तो मतलब यार शब्द कम है भाई आपके लिए। मैं क्या ही कहूँ यार, बस भगवान आपको भी जो है कि लाइफ में सक्सेस बनाए। सो गाइस, अभी तक के सफ़र में आपने देख लिया था कि भाई हम इस होटल में पहुंच चुके थे। होटल का नाम है हयात पैराडाइज। और गाइस, बहुत उम्दा सफ़र रहा अभी तक का, और भाग ये चल रहा है भाई हमारा 12वां, क्योंकि 11 पार्ट मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं आप लोगों को, तो आज है 12 पार्ट। तो आई होप कि भाई आप सभी लोग इसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने पुरानी वीडियोज़ को दिया है। तो गाइस, यहाँ पर मुझे कमरा मिला भी 400 रुपये का, क्योंकि भाई बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे, तब तक यार आपको सही रेट में कमरा कहीं मिल ही नहीं सकता। ये मुनस्यारी की बात नहीं है, आप कहीं भी अगर जाते हैं, खासकर टूरिस्ट प्लेस में, भले वो आपका कुल्लू हो, मनाली हो, कश्मीर हो, तो भाई आपने बार्गेनिंग ज़रूर करनी है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या ना, होटल के जो ऑनर होते हैं वो यही समझते हैं कि भाई ये टूरिस्ट हैं तो हम कुछ भी बोलेंगे तो ये मान जाएंगे। तो भाई यहाँ पर आपने सावधानी बरतनी है, आपने बार्गेनिंग करनी है। सो गाइस, बढ़िया बिस्तर, सब कुछ बढ़िया। तो अब करते हैं इस वाले एपिसोड की शुरुआत। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन सर्कल। पर खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोग तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। सो गाइस, आपने देख लिया था हम पहुंच चुके थे मुनस्यारी, और हमने विजिट किया था ये वाला होटल। तो 104 हमारा रूम है मतलब 104 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अंकु और यहाँ पर तुम्हारा भाई। तो ठीक है, अच्छे रेट में हमें कमरा मिल गया। बाकी गाइस, बहुत अच्छा सफ़र रहा। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊँ, अपनी राय दूँ, ओके रहा सब कुछ। खाना बढ़िया, रूम बढ़िया, होटल बढ़िया, और जो ऑनर हैं इस होटल के वो भी बढ़िया। तो मतलब आप कह सकते हैं कि आपके भाई को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, लगभग 2018 में हम यहाँ पर आए थे, तो इसी कमरे में हम रुके थे। और इत्तेफाक मतलब यार कहते हैं ना भाई, जो होनी को मंजूर होता वही होता है, तो यही कमरा हमें मिला। अब इस कमरे में मैं किसके साथ रुका था वो तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो कुछ पर्सनली बात होती है, बट यादें ताज़ा उठी है। इसी रूम पे हम रुके थे यार, मतलब देखो ना किस्मत कहाँ से कहाँ लेके आती है। तो भाई मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, और आई होप कि आप लोग भी इस वाली सीरीज़ को इन्जॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, हमें बहुत अच्छा रूम मिल चुका है अपने प्राइस में। अभी भाई थोड़ा नहाते हैं, शावर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई, जो भीखा है तुम्हारा भाई ना इस रोड पे, भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ, अंकु की तो हालत ख़राब है, हालांकि मेरी भी हालत ख़राब है, बट अंकु ये कह रहा है कि आप कैसे चलाते हो जाता था इतनी खतरनाक तरीके से। तो भाई तुम्हारे भाई को तो अपने व्यूअर्स का प्यार मिलता है। गाइस आप लोग देखते हैं तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है, इस वजह से मैं इतनी खतरनाक रूट में ट्रेवल करता हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। गाइस अभी नाते हैं, हालांकि भाई कच्चा मैं देखा, कच्चा नहीं दिखाऊंगा मैंने, क्योंकि भाई आप सोच रहे होंगे कि कहीं कहीं नंगा उन्नंगा तो नहीं है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देख लिया होगा आपने रेड कलर का कच्चा। तो अंकु बोल रहा है आप क्या बोलोगे कैमरे में, मैं भी बोलता हूँ, तो मैंने कहा भाई बोलो। तो अंकु तैयार हो? ठंडा हो गया, मेरे को तो कहीं ज़्यादा बता नहीं कितना ठंडा हो गया, मैंने कपड़े चेंज किए वहाँ आगे। अब तक का सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र सही रहा मेरा तो। झरने में कितने खाना? अब धरने मैंने सीधे नहा दिया, मेरे को ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा, अभी काम हो रहा है। बाकी का इसमें आपको दिखाऊंगा भाई, वॉशरूम अपना, ओ भाई साहब, तो कुछ इस तरीके से भाई देख सकते हैं आप, ठीक है बढ़िया है। यहाँ पर हाथ मुंह धोने के लिए, और यहाँ पर आईना। सवेरे क्या है अपन यहीं पर दाढ़ी वाड़ी बनाएंगे, अटैच है, तो लेटरिन और बाथरूम मतलब अटैच है, ठीक है यार बढ़िया है। बाकी गाइस, इस वाले कमरे में मैं पहले भी रह चुका हूँ, तो पहले मेरा वानीच और मैं यहीं पर आए थे, बट उस समय मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मुझे पता है। पता ये भी है कि अब खैर क्या कहूँ मैं, बट
अभी जैसे मैं इस कमरे में आया तो मतलब पुरानी यादें ताज़ा होंगी। तो लगभग 2018 में आए थे हम, लॉकडाउन का टाइम था उस समय शायद। तो मेरा भानी जोर में इसी रूम में आए थे। अगर यूट्यूब चैनल होता तो उस समय भी हम रिकॉर्ड करते, बट अभी कोई बात नहीं, उन्हीं को जो ना मंजूर होता है तो वही होता है। तो पानीज के साथ उस समय आए थे, भाई के साथ अभी आए। बाकी गाइस मैंने यहाँ पर अपना लगेज रख दिया है, हल्का फुल्का बैग भी गया तो यहाँ पर सूख रहा है, यहाँ पर अपना हेलमेट, यहाँ पर रहा भैया चाबी गाड़ी की और बॉक्स गोप्रो का, यहाँ पर फ़ोन गूगल वगैरह, यहाँ पर अपना जीन्स सूख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भी एक आध घंटा आराम करते हैं। एक्चुअली क्या कि खाना वाना तो हमने हल्का फुल्का खाया था, क्योंकि सवेरे बरम से हम खाना वाना खा के आए थे, तो रास्ते पे हमने मैगी वैगी खाई और चाय वाय पी। तो अभी क्या है कि जो अपना सामान भीगा है वो सूखेगा, अभी नहा धो लेते हैं बढ़िया तरीके से। अभी अंकू गया अंदर नहाने के लिए और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो भाई मैं भी नहाऊँगा, उसके बाद आधा एक घंटा आराम से चिल मारेंगे, मतलब समझ सकते हैं आप। अंकू नहा लिया तुमने? खाना वाना खाने के लिए हम जाएंगे गाइस रात को, तो रात को जितना भी कैप्चर हो सकता है मुंशानी मार्केट का मैं करने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना, गोप्रो को चार्ज में लगाता हूँ, फ़ोन को चार्ज में लगाता हूँ और जितने भी अपने इक्विपमेंट हैं पावर बैंक वो सब मैं चार्ज में लगाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर बढ़िया तरीके से हम जितने भी अपने इक्विपमेंट हैं चार्ज में लगा देते हैं बढ़िया तरीके से, ताकि अपना सारा सामान फुली लोडेड हो जाए। ला लो लिया भाई तुम्हारे भाई ना, और अंकू तो वहाँ है। अंकू हाय कहते भैया, गाइस हाय, हेलो गाइस बोल दे। हेलो गाइस, मैं सो रहा हूँ अभी, तो ठंडा हो रहा है। एक्चुअली क्या ना गाइस, आपने देखा होगा किसने नहाया था ना, भाई साहब जो मथकोट में झरना था ना भाई, उस झरने के नीचे ये नंगा हो गया नहा रहा था, मतलब कच्चे में। मैं इससे कह भी रहा हूँ कि भाई मत ना, फिर भी नहा रहा है तो इसको लग गया था ठंडा। तो आप समझ सकते हैं भाई, मुंशारी जैसी जगह में और ऊपर से इसने झरने में नहा लिया है तो कितना ज़्यादा ठंडा हो रहा होगा। तो फिलहाल अभी क्या है ना, नहा धो के हम लोग मतलब सावर लेके हम बिस्तर में घुस चुके हैं, तो अभी खाने पीने का तो कोई मूड है नहीं, तो एक आध घंटे की पावर नैप लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं मार्केट की तरफ। तो जो भी खाएंगे पीएंगे वो सब हम आपको दिखाएंगे। 5 hours later सो गाइस गुड मॉर्निंग, ए दिन में नया व्लॉग, सुबह की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, इसलिए सब दोस्तों को तुम्हारे भाई की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमारी रात तो बहुत अच्छी कटी गाइस, बहुत अच्छी, कमरा भी अच्छा मिला। तो रात को तो भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, इस वजह से ज़्यादा मैंने वीकअप चर्च नहीं किया, ज़्यादा कमरा नहीं दिखाया आपको, बट अभी क्या है कि बढ़िया तरीके से मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा व्यू, ये खिड़कियाँ, ये पर्दे, ये बिस्तर, अंकुश सोया भी, बाकी भाई देख सकते हैं आप, तो कुछ इस तरीके का है, ठीक है, बढ़िया है, साफ है, क्लीन है। और यहाँ पर अपन अभी दाढ़ी वाली बनाएंगे, क्योंकि दाढ़ी वाला सामान तो मैं लाया हूँ सब, सेविंग का क्रीम वगैरह, रेजर प्लेट सब अपने पास, तो अभी दाढ़ी बनाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं अभी बाइक में, क्योंकि बाइक में भैया मेरे सूखे कपड़े, ये सारे के सारे कपड़े कल भीग चुके थे
इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा होगा जर्मन मॉम किस तरीके से मस्ती कर रहे थे। तो अंकु को भी सुन लेते हैं और हम चलते हैं गाइस सामान लाने। तो इस तरीके का वही रास्ता है हमारे कमरे का। ये रही सीढ़ियाँ, अंधेरा अंधेरा होता है। तो बाइक से निकाल के लाते हैं, थोड़ा कपड़े रखते हैं। ये रही भाई अपनी बाइक। तो रात को गाइस हुई थी बारिश, इस वजह से पूरी बाइक पूरी भीग चुकी है यार। चलिए कोई नहीं, सूखे कपड़े निकालते हैं ताकि नहाने के बाद अपन पहन सकें। तो एक जैकेट ये ले लेते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं। एक ले लेते हैं, टॉवल, जीन्स और टी शर्ट। तो गाइस इसलिए तुम्हारा भाई लाया था कपड़े, ताकि अगर भीग भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो।